नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। बीजेपी कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सही तैयारियों की जा रही पूरी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 19 नवंबर को। राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चारधाम यात्रा का हुआ समापन। इस साल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पहुंचे 30 लाख से अधिक श्रद्धालु। यात्रा को लेकर श्रद्धालु में खूब दिखा उत्साह। काशीपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। प्रीपेड मीटर लगाए जाने का जताया विरोध। बीजेपी पर लगाया अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप। रोशनाबाद में जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। बच्चों ने हुनर का किया जबरदस्त प्रदर्शन। कृष्ण चौधरी और तरंग दास ने जीता स्वर्ण पदक। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 19 नवंबर को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम को लेकर आज विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2022-23 के स्नातक और परास्नातक कक्षाओं के 21,230 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में उच्चतम अंक पाने वाले 81 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। साथ ही स्नातक स्तर पर कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को श्रीदेव सुमन गोल्ड मेडल का सम्मान मिलेगा। वहीं परास्नातक स्तर पर 3 विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को कैप्टन शूरवीर सिंह पवार पदक और स्नातक स्तर पर वाणिज्य संख्या में सर्वोच्चतम अंक प्राप्तकर्ता को स्वर्गीय श्री नंदराम पुरोहित स्वर्ण पदक दिया जाएगा। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह हम अपने पंडित ललित मोहन शर्मा कैंपस के स्वामी विवेकानंद समारोह में आयोजित कर रहे हैं। ये कल को यानी 19 तारीख को 11 बजे ये दीक्षांत समारोह प्रारंभ होगा। इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो माननीय कुलाधिपति और श्री राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी रहेंगे और वही दीक्षांत भाषण देंगे। इसमें अति विशिष्ट अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उच्च शिक्षा मंत्री एवं डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी, वित्त मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री रहेंगे। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड विकास यहां पर गठन का आयोजन किया जाना है। उत्तराखंड विकास प्राधिकरण अभियंता संघ का गठन होगा। आवास विभाग के अंतर्गत ये गठन किया जाएगा। अभियंता संघ के अध्यक्ष एई अभिषेक भारद्वाज और जेईपीसी जोशी बने महासचिव। प्राधिकरण की कार्यशैली और ढांचे के बारे में ली विस्तार से जानकारी। अंशदायी पेंशन योजना, स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड, वाहन भत्ता और वाहन सहित कई बिंदुओं पर बैठक में चर्चा। नवनियुक्त अभियंताओं की समस्याओं से कराया अवगत। प्राधिकरण में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त पर आए सहायक अभियंताओं और अपर अभियंताओं को उनके मूल विभाग में भेजे जाने के लिए संघ ने लिया निर्णय। प्रतिनियुक्ति पर आए सहायक अभियंताओं, अपर अभियंताओं और तकनीकी पर्यवेक्षक को आवास विभाग से कार्यमुक्त को लेकर MDDA और HRDA VC को मिलकर देंगे ज्ञापन। आवास विभाग के अभियंताओं के हितों के लिए कई अहम निर्णय लिए। बैठक के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष अभिषेक भारद्वाज ने सभी का जताया आभार। काशीपुर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाजपुर रोड स्थित अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि केंद्र की डबल इंजन की सरकार अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की फिराक में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले उपभोक्ता 2 माह का बिल जमा करते थे, लेकिन अब सरकार ने अपनी मनमानी के चलते उपभोक्ताओं पर 1 महीने के अंदर बिल जमा करने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार और उत्तराखंड सरकार अब गरीबों के पेट पर लात मारते हुए प्रीपेड मीटर गरीबों के ऊपर थोपने का कार्य कर रही है। अगर सरकार काशीपुर क्षेत्र में प्रीपेड मीटर लगेगा तो
कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करके को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। फिलहाल लुकिंग ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। इसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है, आपको बता दें उत्तराखंड विकास प्राधिकरण अभियंता संघ का गठन। आवास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विकास प्राधिकरण अभियंता संघ का गठन हुआ है। अभियंता संघ के अध्यक्ष ए अभिषेक भारद्वाज और JPC जोशी बने महासचिव। प्राधिकरण की कार्यशैली और ढांचे के बारे में विस्तृत जानकारी, अंशदायी पेंशन योजना, स्वास्थ्य, गोल्डन कार्ड, वाहन भत्ता और वेतन सहित कई बिंदुओं पर बैठक में चर्चा। नवनियुक्त अभियंताओं की समस्याओं से कराया अवगत। प्राधिकरण में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त पर आए सहायक अभियंता और अपर अभियंताओं को उनके मूल विभाग में भेजे जाने के लिए संघ ने लिया निर्णय। प्रतिनियुक्ति पर आए सहायक अभियंताओं, अवर अभियंता और तकनीकी पर्यवेक्षक को आवास विभाग से कार्यमुक्ति को लेकर MDD और HRDA VC को मिलकर देंगे ज्ञापन। आवास विभाग के अभियंताओं के हितों के लिए कई अहम निर्णय लिए। बैठक के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष अभिषेक भारद्वाज ने सभी का जताया आभार। केदारनाथ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें केदारनाथ विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। बीजेपी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उक्रांत से आशुतोष भंडारी, निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, RP सिंह और प्रदीप मैदान में। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की साख दांव पर। बीजेपी कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता कर रहे हैं अपनी अपनी जीत का दावा। 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को होगी मतगणना। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। 90,875 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। मतदान के लिए बनाए गए हैं 173 पोलिंग बूथ। केदारनाथ उपचुनाव का परिणाम तय करेगा निकाय चुनाव का भविष्य। केदारनाथ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी एक खबर है, आज प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। बीजेपी कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी आशा नौटियाल और कांग्रेस से मनोज रावत, सीधी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा और यहां देखा जाए केदारनाथ में तो सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की बताई जा रही है। हम
जी बिल्कुल सही कहें तो आज 18 तारीख हो गई और आज शाम को यहाँ पर केदारनाथ उपचुनाव के लिए जो प्रचार है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल 19 हो जाएगी, 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। तो इसके लिए कहें तो आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और सभी पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी हो या मुख्यमंत्री भी, इस टाइम केदारनाथ उपचुनाव विधानसभा पहुंचे हुए हैं। अभी वो बाइक निकाली है, फिर वो जनसभाएं करेंगे। तो कुल मिला के कहें प्रचार अंतिम दिन के प्रचार में सभी भारी भरकम नेता दोनों पार्टियों के वो जुट गए हैं। कांग्रेस की ये स्थिति है कि वहां पर प्रीतम सिंह दिखाई दे रहे हैं, हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं, यशपाल आर्य, करण मेहरा, सभी लोग हैं, दिग्गज हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो महेंद्र भट्ट वहां पर हैं, अभी दुष्यंत गौतम भी जो राज्य के इंचार्ज हैं वो वहां पर पहुंचे थे। इसके बाद से मुख्यमंत्री कल बॉम्बे थे और बॉम्बे से फिर वो आज केदारनाथ पहुंच गए हैं। तो कुल मिला के कहें अंतिम शाम तक प्रचार होना है और सभी पार्टी के नेता, खासकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और फिर 23 तारीख को यहाँ पर जब मतगणना होगी तब पता चलेगा किसकी ताकत का जनता ने भरोसा किया है और किस पे भरोसा करके उसको मतदान किया है, और उसके बाद उस प्रत्याशी का पार्टी विजय होगा। तो कुल मिला के कहें आज अंतिम दिन पर प्रचार गया और सभी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंक रखी है। सभी वरिष्ठ नेता वहां पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बात करें तो किस पार्टी का बोलबाला सीट पर लग रहा है, क्या लगता है कि सीट को कौन निकाल पाएगा, कौन सी पार्टी का दमखम यहाँ पर दिखाई दे रहा है? हाँ, भले ही कांग्रेस कह रही है कि दो उपचुनाव में उसको जीत मिली थी, वो पूरा दावा कर रही है, कहीं ना कहीं भाजपा का जो बात करें क्योंकि यहाँ पर उसकी सरकार है, सभी लोग वहां पर लगे हुए हैं, तो पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी में, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, पूरा संगठन है, जोशी भी है, हर तरीके से वहां पर भाजपा चुनाव प्रचार को जीतना चाहती है। तो वही कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ जो परसेंटेज है वो कहीं भाजपा का ऊपर दिखाई दे रहा है केदारनाथ विधानसभा चुनाव। बाकी एक एनएसएस है, हमारा वो कहना है, बाकी तो जब हो जाएंगे, मतदान हो जाएगा परसों यहाँ पर, उसके बाद जब मतगणना होगी पूरी तस्वीर साफ होगी। पर जो स्थिति लग रही है कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। क्या लगता है जो केदारनाथ में उपचुनाव होने वाले हैं उसका जो है निकाय चुनाव पर कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले जो प्रदेश में होने हैं? हाँ, फर्क जरूर पड़ता है जब कोई पार्टी, चेयरमैन ने कहा ना, ये दोनों की प्रतिष्ठा का ये चुनाव बन चुका है, तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी को भी यहाँ जीत मिलेगी क्यों नहीं, उसको जो एक कहते हैं ना, एक अवसर सा प्राप्त होता है, एक जोश मिलता है कि अभी भी वहां पर जो इतना प्रतिष्ठा का चुनाव था वहां पर हमें जीत मिली है। तो उसका फर्क कार्यकर्ताओं में भी रहता है, नेताओं में भी रहता है, इसका फर्क जरूर पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के भी आती है और एक कार्यकर्ता को दुष्टर मिलता है, क्योंकि जीत का जो जीत के बाद जब दूसरे चुनाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जरूर कार्यकर्ताओं को दिखाई देता, कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए, इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी देहरादून के एसडीएम सदर हरि गिरी ने सरकारी अस्पताल ऋषिकेश का अचानक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई। खास तौर पर उन्होंने 16 नवंबर से चालू हुए आईसीयू वार्ड को देखा। आईसीयू में पर्याप्त व्यवस्थाओं के बारे में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। आईसीयू में भर्ती 5 मरीजों से उन्होंने बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई के बेहतर इंतजाम रखने के निर्देश दिए। मौके पर पंजीकरण के लिए लग रही लाइन को देखकर उन्होंने पंजीकरण की व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए भी कहा। एसडीएम सदर हरिगिरी ने बताया कि अस्पताल में काफी लंबे समय से आईसीयू बंद था, जिसे शुरू करने के प्रयास किए गए। इसी का नतीजा है कि 16 नवंबर से आईसीयू शुरू हो गया है और अब आईसीयू में भर्ती मरीज को लाभ मिल रहा है। परीक्षण के दौरान सीएमओ संजय जैन ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इस पर पूरा फोकस है। विगत माह में डीएम सर ने इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था और बाकी चीज़ों के साथ एक आईसीयू का भी इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें सर ने पाया था कि जो आईसीयू है काफ़ी टाइम से नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल करने के लिए डीएम सर ने विभाग के साथ विभागीय अधिकारियों से मीटिंग भी की थी और उसी क्रम में ये जो नॉन फंक्शनल आईसीयू था वो 16 तारीख से फंक्शनल भी हो गया है। विभाग ने चूँकि बताया था कि हमने आपके निर्देश के क्रम में फंक्शनल कर दिया आईसीयू, तो आईसीयू किस तरह से काम कर रहा है इसी को देखने के लिए डीएम सर ने मुझे और एसडीएम ऋषिकेश और सीएमओ साहब को भेजा है। और आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा आईसीयू है फंक्शनल है, इसमें पेशेंट्स भी हैं और कुछ पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गए इलाज पाने के बाद। आज भी 5 मरीज हैं जो आईसीयू में एडमिट हैं और वो अपने आप को आईसीयू के लाभ प्राप्त करने का बेहतर महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो भी बता रहे हैं। तो अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि लगातार जो फंक्शनल आईसीयू है फंक्शनल बना रहेगा, कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी। और गुप्तकाशी से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई से प्रचार प्रसार करने के बाद सीएम धामी केदारनाथ विधानसभा पहुंचे। सीएम धामी का केदारनाथ उपचुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो जारी। गुप्तकाशी में सीएम धामी ने बाइक रैली का किया नेतृत्व। सीएम धामी ने खुद चलाई बुलेट। बाइक रैली में उमड़ा हुजूम। जनता ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने की बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत, कहना है सीएम धामी का। जनता विकास में लगाएगी मोहर। केदार घाटी की जनता कांग्रेस को देगी मुंहतोड़ जवाब। कांग्रेस ने पहले ही मान ली है हार।
रोशनाबाद में जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बच्चों ने अपने हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में डीपीएस रानीपुर के प्रखर चौधरी और तरंग दास ने स्वर्ण पदक जीतकर स्टेट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं अंडर 14 वर्ग में 40 किलोग्राम वेट कैटेगरी में विवान ने कांस्य पदक जीतकर डीपीएस स्कूल का नाम रोशन किया। तरंगदास, विवान और अविरल जैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर डीपीएस रानीपुर का नाम गौरवान्वित किया है। खेल महाकुंभ के इस आयोजन में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने अहम भूमिका निभाई। देखो, देखो। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा का हुआ समापन, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर चारधाम यात्रा का समापन हो चुका है। इस साल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पहुंचे 30 लाख से अधिक श्रद्धालु, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 15 लाख से अधिक श्रद्धालु ने किए दर्शन। चारों धामों में 46,17,445 श्रद्धालु ने किए दर्शन और 1.5 लाख से अधिक संगतों ने किए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। 12 मई से 17 नवंबर तक चली बद्रीनाथ धाम की यात्रा, 10 मई से 3 नवंबर तक चली केदारनाथ धाम की यात्रा, 10 मई से 2 नवंबर तक श्रद्धालु ने किए गंगोत्री धाम के दर्शन, 10 मई से 3 नवंबर तक चली यमुनोत्री धाम की यात्रा, 25 मई से 10 अक्टूबर तक चली गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा। श्रद्धालुओं में दिखा खूब उत्साह। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां पर चारधाम यात्रा का समापन हो चुका है। कपाट धामों के बंद कर दिए गए हैं। इस साल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पहुंचे 30 लाख से अधिक श्रद्धालु, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, चारधाम यात्रा का पूरी तरह से समापन हो चुका है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? संदीप, कहें तो कल रात 9:07 पर भगवान बद्री काल बैकुंठ धाम के कल कपाट बंद हो गए थे, और हम कहें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के तो कपाट पहले ही बंद हो चुके थे। तो अंतिम अगर हम कहें तो भगवान बद्री काल के कल देर रात कपाट बंद हुए, और बड़ा उत्साह वहां देखने को मिला हम लोगों को। जो किस हिसाब से बड़े लोग उत्साह से बाबा जी कपाट बंद हो, भगवान के कपाट बंद होने की प्रक्रिया देख रहे थे, तो कुल मिला के कहें इसमें पूरी चारधाम यात्रा का समापन हो चुका है। गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री सभी कपाट बंद हो चुके हैं। तो कुल इस बार जो लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 47 लाख के लगभग श्रद्धालुओं ने इस बार भगवान को दर्शन किए हैं। तो सुखद यात्रा रही, शिक्षा रही, बीच में बड़ा थोड़ा भले ही कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हुआ, जब कहें तो मानसून का सीजन था, तब कहीं ना कहीं यात्रा में रुकावटें आई हैं। और कुल मिला के कहें अगर अंतिम अगर हम बात करें पिछले डेढ़ महीने से यात्रा काफी अच्छी चली है, बहुत हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, भगवान के दर्शन किए हैं, अपनी मन्नतें मांगी है। तो कुल मिला के यात्रा सुखद रही। अगर हम पूरा यात्रा काल की बात करें तो लगभग 47 लाख के लगभग इस बार चारों धाम में लोगों ने श्रद्धालु भगवान के दर्शन किए हैं। वही अगर हम पांचों धाम जिसको हम कहते हैं गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा भी ठीक रही, वहां भी लगभग 1.5 से 2 लाख तक वहां पर संगतें पहुंची हैं जिन्होंने गुरु घर की खुशियां प्राप्त करी हैं। तो कुल मिला के कहें अब शीतकालीन के लिए हेमकुंड साहिब और चारों धाम के गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो चुके हैं, और अब अगले साल फिर वही अप्रैल मई में जब कपाट खुले होंगे तो फिर यात्रा शुरू होगी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर फिर पहुंचेंगे। आंकड़ा जो है करीब 47 लाख ही पहुंच पाया, हालांकि उम्मीद थी कि पिछली बार का रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। ऐसे में ये भी तो बात सामने आती है कि क्या वजह रही कि पिछली बार करीब 55 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा उस तक नहीं पहुंच पाया है। संदीप बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार इस बार कहा जा रहा है जिस हिसाब से पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ वहां पर 55 लाख तक श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे जो आंकड़ा निकल के आया था, लेकिन इस बार अगर हम आंकड़ा कहें पिछले वर्ष से लगभग 7 लाख के लगभग कम रहा, 7-8 लाख से लगभग कम रहा, तो कई चीजें इसमें निकल के आई है। एक सबसे बड़ी बात आई है इस पर थोड़ा सा कपाट, जो पिछली बार की अगर हम बात करें तो लगभग 15-20 दिन लगभग कपाट भी हमारे इस बार लेट खुले हैं, जो उनका मुहूर्त निकला वो लेट निकला, पिछली बार 15-20 दिन समय और अधिक मिला था। और साथ ही जब कपाट खुलने की तिथि लेट हुई और लेट कपाट खुले
तो एकदम इतना जबरदस्त हजूम उमड़ा, इतना हजूम समरा, तो कहीं ना कहीं कुछ यात्री पूरी अव्यवस्थाओं के या व्यवस्थाएं के या थोड़ा सा जो उस टाइम ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए उसमें कहीं ना कहीं कुछ यात्री बिना यात्रा के कुछ लोग वापिस भी गए। और साथ ही जब मानसून का सीजन आया इस बार उस मानसून सीजन से भी यात्रा काफी एक्सपेक्टेड रही, मतलब उसका भी काफी संख्या में यात्री नहीं पहुंचे क्योंकि काफी सड़कें और काफी मानसून खराब रहा, लोगों ने इस बार रिस्क नहीं लिया, बिल्कुल बहुत कम संख्या में लोग वहां पहुंचे, ये भी बहुत असर रहा। तो कुल मिला के कहें पिछले वर्ष के मुकाबले अगर 2023 की बात करें तो उससे कम से कम लगभग 8 लाख श्रद्धालु कम आया। और यही कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।